बैंडिट ओट्स के एपिसोड 3 में स्वागत है आप सभी का और इसका नाम है द स्टोन। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट कीजिए मेरे कमेंट सेक्शन में, और अगर किसी के भी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक आएंगे उसको मैं दूंगा नेटफ्लिक्स का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री भाई, बिल्कुल फ्री। तो देखते हैं किसमें कितना है दम, और अब स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से सेकंड एपिसोड की एंडिंग हुई थी। लूकस और सारी जो टीम वाले हैं वो भाग जाते हैं और फौज जाता है मिगेल, और जहां पे वो गुंडा कहता है कि सबको पकड़ के मार दो, और गुंडे पड़े हैं लूकस के पीछे। अब लिली जो है वो भाग रही है विल्सन के साथ, हमारी डाइविंग वाली गर्ल वो तो पता नहीं कहां गायब है। लूकस भाग रहा है, गुंडों से बच के गोलियां चला रहे हैं गुंडे उसके ऊपर, और तभी दिखाया जाता है लिली और विल्सन को। लिली और विल्सन भी भाग रहे हैं लेकिन विल्सन से भागा नहीं जा रहा है क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा लंगड़ा के चलता है, और तभी देखता है कि उसके पीछे एक टकला सा गुंडा आ गया है। और यही लूकस भागते भागते एक पेड़ पे रुक जाता है और उसे खींच लेती है वही नई लड़की ऊपर की तरफ। अब दिखाई जाती है कहानी विल्सन की तरफ। विल्सन जो है उस इंसान से लड़ने की कोशिश करता है और लिली को बोलता है तुम यहां से भाग जाओ, और वो इंसान उसे बहुत मारता है और फिर जाके ये कहानी वापस शिफ्ट हो जाती है लूकस पे। लूकस बोलता है अब हम मरने वाले हैं, लेकिन वो लड़की उसे चुप कराती है और कहती है तुम चुप रहो हमें कुछ नहीं होगा, और फिर विल्सन जो है उस टकले आदमी को पत्थर से मार देता है। इसी बात पे लिली जो है वो आके उस इंसान को वापस से पत्थर से मारती है और फिर वो इंसान बेहोश हो जाता है। फिर दिखाया जाता है मिगेल को, मिगेल को गुंडे पकड़ के ले जा रहे होते हैं और वो विल्सन की वैन भी ले जाते हैं। विल्सन बोलता है ये मेरी वैन भी ले गए, और इसके बाद ध्यान आता है लूकस को कि ये एक गेम है, और फिर वो गेम में इमेजिन करने लग जाता है खुद को, और वहां पे खड़ी होती है एक बाइक। वो वहां से एक बाइक लेके भागता है और विल्सन की गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन उसे बाइक चलानी नहीं आती, पहले ही कोशिश में गिर जाता है, लेकिन वो फिर से उठता है और वापस से बाइक चलाने लग जाता है। वो देखता है कि मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, लेकिन वापस से वो कंट्रोल करता है और कहता है कि ये एक गेम है और तुझे ये गेम जीतना ही पड़ेगा। वो वापस से अपनी बाइक भगाता है और विल्सन की गाड़ी पे एक ट्रैकर लगा देता है, लेकिन तभी देखता है कि वो गेम में गेम ओवर होने वाला है और वो एक खाई में गिर जाता है, और फिर उस गुंडे को दिखाया जाता है। वो गुंडा जो है वो मिगेल को बोलता है कि देखो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन फिर तुम वो स्टोन खा गए, अब तो मैं तुम्हें कटवा दूंगा और वो स्टोन निकालूंगा। वो एक कसाई बुलाता है कि इसका पेट काट दो और वो स्टोन निकाल दो। मिगेल बोलता है देखो तुम अपने बॉस का मुझे नाम बता दो, एक मिल्क शेक और थोड़े कॉर्नफ्लेक्स मुझे दे दो, मैं अभी पॉटी करके वो स्टोन निकाल दूंगा। लेकिन भाई साहब वो गुंडा नहीं मानता है, और उसके पास एक फोन आता है और कहता है कि कोई डॉक्टर उस स्टोन को निकालेगा और फिर हम उसका स्टोन निकाल के उसे मार देंगे। अब मिगेल बोलता है नहीं 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 ऐसा मत करना, लेकिन वो गुंडा तो मानता ही नहीं है, और फिर दिखाया जाता है कि वो गुंडा जा रहा है बाहर। इसके बाद वो अपने साथियों से बोलता है कि उसके पीछे से या आगे से कुछ निकले तो फटाफट से मुझे इन्फॉर्म करना, लेकिन भाई एक गुंडा बोलता है सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उस गुंडे को गुस्सा आ जाता है और वो शूट कर देता है अपने ही एक साथी को। वो दूसरे गुंडे को बोलता है आज से तुम लीडर हो और ज्यादा बकवास मत किया करो मेरे सामने। उसके बाद ये कहानी शिफ्ट हो जाती है विल्सन, लिली और उस नई वाली लड़की पे। अब वो लोग जंगल में फंस गए हैं, वो लिफ्ट मांग रहे हैं पर उन्हें कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है। जो विल्सन है उसके पास उस मैक्सिकन आदमी की चमड़ी है जो की छीनी थी उसने उस गुंडे से। अब लिली बोलती है ये वही चमड़ी है ना, और विल्सन बोलता है हाँ सही बात है, डर इस बात का है कि मिगेल को कुछ हो ना गया हो क्योंकि लूकस का भी फोन नहीं लग रहा होता है। लिली बोलती है तुम हर वक्त उसकी हिफाजत नहीं कर सकते, ठीक है तुम उसकी मां नहीं हो। लेकिन भाई विल्सन को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं ही उसका सब कुछ हूँ, उसका बाप ना होना और होना बराबर ही है, और उसकी माँ तो भाई बचपन में ही गुजर गई थी, और वो जो भी कर रहा है वो लिली तुम्हारे लिए कर रहा है क्योंकि तुम्हें पैसों से प्यार है और वो चाहता है कि तुम्हें खुश रख सके। अब भाई लिली बोलती है कि ठीक है ज्यादा बकवास मत करो, और फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है लूकस पे। लूकस उस ट्रैकर के जरिए उस अड्डे पे पहुंच जाता है और वो चला जाता है एक छत पे जहां पे उसके पास एक ड्रोन होता है। वो ड्रोन उड़ाता है और देखता है कि जो मिगेल है वो कहां पे, वो ड्रोन को उड़ा देता है और चारों तरफ ढूंढ रहा होता है, और फिर मिगेल मिल जाता है उसे। मिगेल एक जेल में बंद होता है जहां पे वो ड्रोन लेके जाता है, लेकिन मिगेल कुछ समझ नहीं पाता है कि ये ड्रोन किसका है। वो बोलता है कि तुम पापा के ड्रोन हो। यहां पे लूकस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि तुम इतना सा भी नहीं समझ सकते। फिर लूकस एक गाना चलाता है और फिर समझ जाता है मिगेल कि ये तो लूकस ही है। अब भाई वो पूछता है कि बाकी के सारे टीम मेंबर्स जिंदा है ना, और लूकस बोलता है हाँ वो टीम मेंबर्स जिंदा है, और फिर मिगेल बोल देता है कि देखो तुम यहां पे बिल्कुल मत आना, मैं यहां से बच के निकल जाऊंगा, तुम आओगे तो मारे जाओगे लूकस, तुम यहां से चले जाओ। लूकस बोलता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, और वो ड्रोन उड़ाता है और देखता है कि कहां बंदे और कितने बंदे। तभी वो ड्रोन उड़ा के उस गुंडे के पास चला जाता है। वो गुंडा सुन रहा होता है अपने कानों से, उस गुंडे को पता चल जाता है कि कोई ना कोई ड्रोन मेरे पीछे है, और वो अपनी लाठी में से तलवार निकाल के उस ड्रोन को क्रैश कर देता है और बोलता है कि कोई ना कोई मिगेल की जरूर मदद कर रहा है, ढूंढो उस लड़के को फटाफट। अब भाई लूकस वहां से दुम दबा के भागता है और जाके जंगल में छुप जाता है। अब भाई जंगल में जैसे ही छुपता है वो बोलता है ये पीछा छोड़ ही नहीं रहे मेरा। इसके बाद वो नेटवर्क लाने की कोशिश करता है क्योंकि जंगल में तो नेटवर्क होता नहीं है, लेकिन उसे नेटवर्क मिल जाता है। वो फोन लगा देता है विल्सन को, विल्सन को बोलता है कि मुझे पता है कि मिगेल
कहाँ है, तुम फटाफट से जल्दी से आ जाओ, उसको मदद की जरूरत है। और वो लोग उसका पेट काट के स्टोन निकालने वाले हैं, तो हमें उसका पेट कटने से पहले उसे बचाना होगा। और विल्सन बोलता है कि ये तो बहुत बड़ी बात है और अब हमें हथियार चाहिए। उसके बाद फोन कट जाता है। फिर विल्सन बोलता है हमें बहुत सारे हथियारों की जरूरत है, लेकिन लिली बोल देती है हमें हथियार नहीं, हमें चाहिए ऑक्टावियो। अब भैया ये ऑक्टावियो कौन है बताता हूं, सबर करो। ऑक्टावियो भी एक नया टीम मेंबर है जो अपनी टीम में जुड़ने वाला है। देखो भाई, अपनी टीम में हैकर है, सुंदर सी गर्ल है, एक डाइवर है, एक ऐसा आदमी जिसका दिमाग बहुत ज्यादा शातिर है, और हमारा कैप्टन है। लेकिन अब टीम में एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर हो। और फिर ले जाया जाता है ऑक्टावियो के पास। ये सीन जाता है ऑक्टावियो के पास। ऑक्टावियो जो है बोट पे बैठ के योगा कर रहा होता है, और तभी देखता है कि उसके बोट के पास कोई लोग आए हैं, और वो गन तान के पूछता है कि तुम लोग कौन हो, और फिर देखता है कि वो तो लिली है, और सबको वो अपनी बोट पे बुला लेता है। लिली बोलती है कि हमें मिगेल को बचाना पड़ेगा, और ऑक्टावियो जो है वो लिली से कहीं ना कहीं प्यार करता है, और फिर ऑक्टावियो बहुत ज्यादा हॉट दिख रहा होता है। अब भाई ऑक्टावियो कहीं ना कहीं मिगेल से बहुत ज्यादा गुस्सा है, और मिगेल भी ऑक्टावियो को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वो लिली का बॉयफ्रेंड जो है यार, ऑफ कोर्स यार, अपनी एक्स का बॉयफ्रेंड किसको पसंद होगा। अब भाई ऑक्टावियो बोलता है ठीक है, मुझे है ना पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे खजाने से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे $1 million चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी एक्स बीवी से छुटकारा पाना है, वो मुझे बार बार परेशान करती है। अब भाई लिली बोलती है काम होने के बाद तुम्हें $1 million मिल जाएंगे, और फिर ये लोग तैयार हो जाते हैं गनशन लेके लड़ने के लिए, क्योंकि अब होने वाला है सुपर डुपर एक्शन। अब ये लोग पहुंचते हैं जंगल में जहां पे सोया होता है लुकस, क्योंकि उसे कोई ठिकाना नहीं मिल रहा होता है, और ये लोग आके लुकस को उठाते कि उठो अब एक्शन की बारी है। अब भाई लुकस बताता है कि यहां से ही मैं गया था चढ़ के, और वो आर्मी मैन वाला इंसान वापस से चढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्टावियो जो है वो पहले आर्मी में था और उसे सारी ट्रेनिंग का पता है। वो सबको चढ़ा देता है और कहता है कि सब नजर रखना और हमें मिगेल को बस छुड़ाना ही है। इसके बाद वो लिली को एक गन देता है और खुद 2 गन लेके चल देता है आगे, और फिर स्टार्ट होता है सुपर डुपर एक्शन। ऑक्टावियो अकेले धड़ाधड़ धड़ाधड़ सबको मारे जा रहा है, इधर से लिली भी अपने स्कोप वाली गन से सबको डॉट मारे जा रही है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी गन है जिसमें डॉट है, और वो डॉट लगते ही इंसान बेहोश हो जाता है। यहां पे ऑक्टावियो धड़ाधड़ धड़ाधड़ मारे जा रहा है, और फिर दिखाया जाता है मिगेल को। डॉक्टर आ जाता है और वो मिगेल को बोलता है कि तुम लेट जाओ फटाफट से। मिगेल बोलता है ऐसा मत करो। फिर वो गुंडा कहता है कि डॉक्टर जल्दी करो और इसके पेट से स्टोन निकालो। डॉक्टर बोलता है कि इसने स्टोन खाया है तो लगता है इसके आंत में वो स्टोन चला गया है। और फिर मिगेल पूछता है तुम किस चीज के डॉक्टर हो। वो डॉक्टर बोलता है देखो मैं घोड़े का डॉक्टर हूं। और भाई मिगेल बहुत ज्यादा डर जाता है। अब भाई वो गुंडा जो है वो सुन लेता है कि बाहर गोलियां बारी चल रही है, और फिर वो डॉक्टर को बोलता है कि जल्दी से इसका पेट काट के स्टोन निकालो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर वो डॉक्टर बोलता है बेहोशी का इंजेक्शन नहीं है तो मुझे ऐसे पेट काटना पड़ेगा, और वो मिगेल का पेट चीर देता है। अब भाई मिगेल बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। इधर भाई हमारा ऑक्टावियो धड़ाधड़ धड़ाधड़ गुंडों को मारे जा रहा है, लिली भी धड़ाधड़ धड़ाधड़ गुंडों को मारे जा रही है, और सबके सब भाई ढेर हुए जा रहे हैं, क्योंकि ऑक्टावियो तो भाई एक नंबर पर्सन है, और सिक्स पैक ऐप के साथ ये हॉट बंदा तबाही मचा रहा है। इसके बाद होता यह है कि ऑक्टावियो जो है वो सीढ़ियों के द्वारा चढ़ा जाता है बारामदे में, और फिर वो देखता है कि काफी सारे गुंडे उसके पीछे आ रहे हैं, और ऑक्टावियो भी एक चाकू लेके निकल जाता है और उन लोगों को मार के गिरा देता है। इसके बाद कहानी जाती है लिली और विल्सन पे। विल्सन जो है वो उस बिल्डिंग में बॉम्ब फिट कर रहा है ताकि वो उस बिल्डिंग को उड़ा सके। तभी उसे अपनी वैन दिखती है और वो अपनी वैन की तरफ चला जाता है। वो देखता है कि वही टकला गुंडा वापस आ गया है, और वो बोलता है कि तुझे क्या लगा मैं मर गया। तो फिर विल्सन जो है वो बोलता है कि आजा तुझे बताता हूं, और लिली बोलती है ऐसा मत करो तुम मारे जाओगे। लेकिन भाई विल्सन तो मानता ही नहीं है, वो बेफालतू भिड़ जाता है, और वो गुंडा तो हट्टा कट्टा है ना भाई, और ये बूढ़ा इंसान भाई क्या ही कर पाएगा। अब विल्सन बोलता है कि लिली जल्दी से डॉट फेंक, इसको बेहोश कर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और लिली बोलती है क्लियर शॉट नहीं है, हो सकता है तुम्हें भी ये डॉट लग जाए। लेकिन विल्सन बोलता है तू जल्दी कर वरना ये मुझे मार देगा। और फिर लिली जो है उसे एक डॉट मार देती है, और वो डॉट जो है विल्सन को आके लग जाता है। फिर विल्सन जो है टकले आदमी को घुमा देता है, और फिर लिली एक शॉट मारती है जिसमें डॉट घुस जाता है उस टकले आदमी के गर्दन में। लेकिन उस टकले आदमी को तो कोई असर ही नहीं होता। अब भाई विल्सन क्या करता है कि अपने पैर को वो पूरा घुमा देता है, क्योंकि उसका जो पैर है वो नकली है और लकड़ी का पैर है उसका, तो वो अपने पैर को घुमा के उस टकले इंसान के मुंह पे मारता है धड़ धड़ धड़, और फिर वो इंसान बेहोश हो जाता है। अब ये कहानी मिगेल पे चली जाती है। मिगेल जो है वो बेहोश हो रहा होता है, और वो गुंडा उसको बोलता है कि तू याद कर हम पहले भी मिल चुके हैं, और उसे वो एक कहानी सुनाता है कि 3 खजाने के मालिक थे जिन्होंने खजाना खोजा था। उसमें से 2 साथी लड़ने लग जाते कि इसमें मेरा हक है और ये मेरा खजाना है, इसे मैं ही लूंगा। और तीसरा जो आदमी था वो खजाना लेके रफू चक्कर हो गया। तो उन 3 मेंबर में से तुम कौन से मेंबर हो मिगेल ये बताओ, और मिगेल बेहोश हो जाता है, और फिर वो इंसान गन लेके चल जाता है।
था, क्योंकि उसके जो साथी है वो रिप्लाई उसे नहीं दे रहे थे और उसे डर था कि कहीं ना कहीं कोई आके मेरा जो प्लान है वो चौपट कर रहा है। और फिर वो वॉकी टॉकी से अपने साथियों को बोलता है कि मैं हॉल में आ चुका हूँ, फटाफट से आ जाओ, लेकिन उसके सारे साथी तो मर गए होते हैं। वो वॉकी टॉकी से बोलता है कि तुम जहां कहीं भी हो मेरे सामने आ जाओ। अब ऑक्टावियो जो है वो बोलता है इतनी जल्दी है क्या, चलो फिर बता ही देता हूं। और ऑक्टावियो उसी भीड़ में से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि लो भाई तेरे सामने आ गया। ऑक्टावियो बोलता है देखो मेरे पास गन नहीं है, तुम ऐसे लड़ सकते हो मेरे से, लेकिन वो इंसान बोलता है देखो मेरे पास तो गन है, और वो गन निकाल के ऑक्टावियो पे तान देता है। तभी ऑक्टावियो कहता है कि चलो ये बताओ कि टाइम क्या हुआ है। वो इंसान बोलता है क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, और फिर धमाका होता है और ब्लास्ट हो जाता है फटाफट से। तभी वहां पे लूकस और वो नई वाली लड़की आती है और वो डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं कि जल्दी से इसका पेट बंद कर वरना तेरा माता खोल दूंगी, और वो जो डॉक्टर है उसका पेट बंद कर देता है। मिगेल, लूकस और वो नई वाली लड़की उसको लेके विल्सन के वैन के पास जाते हैं और विल्सन बोलता है फटाफट से आके बैठ जाओ गाड़ी में। लिली भी जो है वो कार में बैठ के गन ताने रहती है कि कहीं से भी अगर कोई गुंडा आ जाए तो उसे मैं डॉट मार दूं। तभी वहां पे बोला जाता है कि ऑक्टावियो का आने का इंतजार करो, वो आता ही होगा, और ऑक्टावियो फटाफट से आता है। बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था तो ऑक्टावियो पूरा व्हाइट हो गया होता है और विल्सन बोलता है क्या हुआ, तू आटे में नहा के आ रहा है क्या, और ऑक्टावियो भी उस वैन में चढ़ जाता है। वो लोग वापस लूकस के होटल में आ जाते हैं तो वहां का मैनेजर बोलता है मिगेल तुम यहां क्यों आए हो वापस, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है और सारे लोग उन्हें देख रहे होते हैं। लूकस बोलता है तुम हमें अकेला छोड़ दो, और वो मैनेजर मान जाता है क्योंकि लूकस उस होटल का मालिक है। वो अपने घर में ले आता है और वो नई वाली लड़की बोलती है तू यहां रहता है, ये तेरा अकेले का घर है। अब भाई लूकस बोलता है हाँ ये मम्मी पापा नहीं रहते मेरे और वो कभी कभी आते हैं, तो ये घर मेरा ही है और वो यहाँ आने की कमी पूरी कर देते हैं और वो मेरे लिए बहुत सारी चीजें छोड़ के जाते हैं। ऑक्टावियो कहता है कि मुझे मेरा $1 million दे दो क्योंकि अब मुझे जाना है, लेकिन लिली बोलती है हमारे पास नहीं है, अब खजाना ढूंढा जाएगा तब उसमें से तुम्हारा हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन ऑक्टावियो बोलता है पहले ही बोला था मैंने कि मुझे कोई मतलब नहीं है इस खजाने से। लेकिन फिर वो नई वाली लड़की कहती है कि तुम इसे $1 million दे रहे हो और मुझे सिर्फ 20,000, मुझे तुमने पागल समझा है क्या, और वो लड़ने लग जाते हैं। लेकिन तभी मिगेल बोलता है कि तुम सब चुप हो जाओ, और फिर उसे पॉटी आती है और वो जाके वो स्टोन पॉटी कर देता है और फिर वो दिखाता है कि ये लो स्टोन, और मिगेल बोलता है तुम टेंशन मत लो, इसको मैंने 10-20 बार धो दिया है और इससे अब कोई खतरा नहीं है। फिर वो स्टोन लेके अपने पापा के पास जाता है और वो बोलता है सबसे कि मेरे पापा को जरूर पता होगा, उसके पापा की याददाश्त खो गई होती है। विल्सन बोलता है कि ये तरीका बिल्कुल बेकार है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं होगा, लेकिन जैसे वो स्टोन देता है अपने पापा के हाथ में वो उसके पापा जो है उस स्टोन के बारे में समझ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो मून स्टोन है लेकिन अभी तुम्हें 2 स्टोन और चाहिए क्योंकि उसमें अर्थ स्टोन और सन स्टोन है, अगर ये 3 स्टोन मिलेंगे तब तुम्हें खजाने का पता मिलेगा वरना तुम्हें खजाने का पता नहीं मिल सकता है। अब भाई मिगेल बोलता है कि ऐसा अब कैसे करें, वो स्टोन का पता कहां है, लेकिन उस इंसान को पता ही नहीं होता है। तब उसके पापा बोलते हैं कि तुम एक काम करो तुम एरियल की मदद लो, वो बहुत कुछ जानता है, लेकिन मिगेल जो है वो एरियल की मदद नहीं लेने वाला होता है और वो बाहर आ जाता है। यहां विल्सन बोल देता है कि काश तुम एक अच्छे बाप बन जाते, तुम हर बार एरियल की बड़ाई करते रहते हो, और विल्सन ये कह के वहां से चला जाता है। इसके बाद होता यह है कि वो लोग बाहर आ जाते हैं, सब पूछते हैं कि क्या हुआ, खजाने का पता चला, लेकिन उसे कोई पता नहीं चलता। और फिर मिगेल को याद आता है कि पापा के जो नोट्स हैं उसमें जरूर खजाने का पता होगा, और जैसे ही वो नोट्स लेने जाता है एक बंदा जो है उसके पापा को ले जाता है और ये जो एपिसोड है वही खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है कौन ले गया होगा मिगेल के पापा को, और क्या मिगेल अपने पापा को बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा, ये तो 4th एपिसोड में पता चलेगा ना बाबा, और खजाने का पता मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी पता चलेगा 4th एपिसोड में। वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और कमेंट वाली बात मत भूलना, और रिमेनिंग एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाके मेरे चैनल में वॉच आउट कर लो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।